बस्ती में सरयू नदी की कटान में एक युवती समा गई। यह हादसा बीडी बांध के दक्षिण सहजौरा के पास का है। पूरे इलाके में इस वजह से दहशत है। सरयू नदी में आई बाढ़ जब यहां से कहर बरपा कर गई, उसके बाद अब यहां कटान ने जिंदगी को लीलना शुरू कर दिया है। नदी किनारे मिट्टी कटने की ये भयावह तस्वीर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। और ऐसे ही खतरनाक कटान में यहां छावनी थाना क्षेत्र में एक युवती समा गई। युवती की माँ और दूसरी बहनों ने भाग कर जान बचाई, लेकिन उसे इस भयावह हादसे से नहीं बचाया जा सका। युवती की तलाश में गोताखोरों की मदद ली जा रही है, लेकिन बीडी बांध के दक्षिण सजौरा में कटान के बढ़ते दायरे से पूरे गांव में दहशत है। दरअसल पिछले दिनों सरयू नदी में आई बाढ़ से पूरे इलाके में बड़ी बर्बादी हुई। लोगों के खेतों की फसलें बर्बाद हुई तो कहीं घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और अब कटान से नदी किनारे के गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। इधर अंबेडकर नगर में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान लोगों ने लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर सब चीजों का सहारा लिया। बच्चों के बीच का विवाद कभी कभी कितना भयंकर रूप ले लेता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त मारपीट की जो तस्वीर देख रहे हैं, वो बच्चों के आपसी झगड़े का ही नतीजा है। तस्वीरों में देखिए कि महिलाओं का दो समूह किस तरीके से एक दूसरे पर हमले कर रहा है। किसी को भी इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि इस तरह के हमले करने में गंभीर चोट आ सकती है और अंजाम खतरनाक हो सकता है। वाकया अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव का है। इस मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर बरसाए गए। हैरत तो ये है कि महिलाओं के समूह में पुरुष भी शामिल थे और मारपीट करने लगे। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए अम्बेडकर नगर से यज्ञेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखा आपने, ऐसा लग रहा था कि दो छोटी छोटी सेनाएं सज गई थी और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे सभी। इधर सहारनपुर में दो दिन पहले पत्रकार देवेश त्यागी पर हुए हमले का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग किस तरह से पत्रकार के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पत्रकार देवेश त्यागी पर हुए हमले के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कितनी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। चारों तरफ से लोग पत्रकार को घेर कर ताबड़तोड़ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जिसे जैसे मौका मिलता है पत्रकार पर हमला करता है। इसी भीड़ में एक शख्स डंडे से भी घातक प्रहार करने से नहीं चूकता। वाक्या 14 सितम्बर का है। गाड़ी टकराने को लेकर बड़े विवाद के चलते दबंगों ने पत्रकार पर हमला बोल दिया। सूचना मिलने के बाद घायल पत्रकार को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और अब तक दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर हाथरस में कार दुर्घटना के बाद जुटी भीड़ में एक चोर ने जेब काटने का अवसर ढूंढ लिया, लेकिन उसकी चालाकी चली नहीं, वो पकड़ा गया और फिर भीड़ उस पर टूट पड़ी। हाथरस के कस्बा सासनी में जैसे ही एक कार की बाइक से टक्कर हुई, लोग उस ओर दौड़े और दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हंगामे ने दूसरा रूप ले लिया। तस्वीरों में जिस शख्स को लोग पीट रहे हैं, दरअसल उसने भीड़ का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति की जेब साफ कर दी और 20,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन उसकी चालाकी चली नहीं। जैसे ही पकड़ा गया, लोगों ने उसकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और जेब कतरे को अपने शिकंजे में ले लिया, जिसके बाद मामला शांत हो सका। पिटाई और विवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एबीपी गंगा के लिए हाथरस से आरके अग्रवाल की रिपोर्ट। इधर उन्नाव में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। वाकया गंगा घाट कोतवाली में गंगा नदी ब्रिज के नीचे का है। यहाँ पर कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे, उसे एक युवक को टोकना भारी पड़ गया। चार पांच लोगों ने मिलकर इस युवक की पिटाई कर दी। उन्नाव में कुछ लोग जिस युवक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इन लोगों को गाली गलौज करने से मना किया था, लेकिन हमलावरों को ये नसीहत नागवार गुजरी और युवक को जमकर निशाना बना दिया। वाकया गंगा घाट कोतवाली के गंगा नदी ब्रिज के नीचे का है। मारपीट कर रहे ये लोग गालियां देते हुए जा रहे थे, लेकिन एक युवक ने जब उसे रोका टोका तो वे लोग आपे से बाहर हो गए। चार चार लोगों की मौजूदगी में ही युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, लेकिन हैरत ये देखिए कि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। गंगा घाट पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष गौड़ की रिपोर्ट। अगली खबर भेजना और से